सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। आपको सभी को बहुत बहुत विजयदशमी कल मनाई थी हम लोग ने, तो मैं भी गई थी यहाँ पर। बहुत बहुत वहाँ पर भीड़ थी, सभी जगह पटाखे फूट रहे थे। तो आज कल हमने शुरू कर दिया था ये जो किताब है, और 1000 सीड्स ऑफ जॉय, यानी कि 1000 जो बीज हैं खुशियों के, ये भी कह सकते हैं। ये किताब ऐसी जो है आनंद करुणेश जी ने काफी साल की जो उनकी एक किस्म से यात्रा रही, उसके बाद उन्होंने ये किताब पब्लिश की 2019 में, 2018 में। और वे एक वैसे फाइनेंस के प्रोफेसर हैं और पीएचडी हैं। तो आज हम उनका पहला चैप्टर करेंगे या उसके बारे में सीखेंगे, लिखेंगे, बताएंगे। तो मैं थोड़ा सा कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि हम उसको थोड़ा कि इस किताब में क्या लिखा है। पहले पहला जो चैप्टर है उसमें क्या लिखा है। पहले चैप्टर में से कल से ही मैं शुरू करना चाहती हूँ कि कल के चैप्टर हम लोगों ने ये किताब आनंद करुणेश जी की शुरू की है। कुछ हमने उन ऑथर के बारे में जाना, लेखक के बारे में जाना, इस किताब में किस तरह से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं वो जाना। तो मैं फिर से अपने सभी टीचर्स का, अपने सभी मास्टर्स का यहाँ पर आत्मवंदन, यहाँ पर नमन करते हुए फिर से चैप्टर 1 आज से शुरू करने जा रही हूँ। तो ये है आनंद करुणेश जी। ये किताब जो है 2018 में प्रकाशित हुई थी, और वैसे उनका नाम जो है संजय संजय है, और वह पीएचडी हैं, और 19 साल की उम्र में ही उनको कोई विशेष ऐसी कोई उनके साथ घटना हुई थी या कुछ ऐसा हुआ था, कोई एक्सपीरियंस हुआ था, अनुभव हुआ था, जिसके बाद वे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। मतलब इसी स्पिरिचुअल अध्यात्म में भी आगे बढ़ते रहे और फाइनेंस में भी। खैर, वो उन्होंने पढ़ाई की और वो वहाँ पर प्रोफेसर भी हैं। तो ये जो किताब है, ये कल जो हम लोगों ने देखा कुछ कुछ, कि हमें ये दिखाई देता है कि लक्ष्मी जी और जो सरस्वती जी के साथ इनकी वार्ता हुई, बातचीत के दौरान इन्होंने क्या बताया कि नई दुनिया कैसे होने वाली है। ये उन्होंने फिर कि मतलब जॉय, बहुत ही खुशी का अनुभव करने वाली है यह दुनिया। मतलब हम जैसे मनुष्य जो यहाँ पर रहते हैं वो खुशी अनुभव करेंगे, और इसके बाद जो है धरती माँ भी अनुभव करेगी। तो जो ये देवी हैं लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, इन्होंने ऑथर को, लेखक को क्या बताया है? इन्होंने इस किताब में ये भी बताया है कि जो दो एक किस्म से बहुत बड़े रिलीजन हैं, या हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, उनमें इन्होंने अवतार लिया, कई जगह पे ये रहे, और उस वाले जन्म में इन्होंने क्या सीखा या क्या सिखाया अपने आसपास के लोगों को, वो भी इन्होंने जाना। और ये आगे ये बता रहे हैं कि गूढ़ रहस्य, कि आज की स्थिति में हम कैसे जिए, वो हमें ज्यादा ये सिखा रहे हैं। तो इससे हम अब चैप्टर 1 या पहला जो चैप्टर है खंड 1 में, कि शून्यता एक अनंत उपस्थिति है। जब भी हम अध्यात्म में बात करते हैं तो ध्यान की बात करते हैं, हम ध्यान में शून्यता की बात करते हैं, कि हम उस शून्य की स्थिति में चले जाएं जो कि कैसी है। तो वहीं से ये बात शुरू होती है जो लेखक इनसे बातचीत करते हैं। हम हमारी समझ जो भी है, पर इस किताब में ये बताया जाता है कि जो एक शून्यता है या एम्प्टीनेस है, वो जो है वो समाहित है, जो चीजें हैं उसमें भी वो समाहित है, और वो एक किस्म से उसको बता पाना, उसकी व्याख्या करना, इस जो शून्यता की जो व्याख्या करना है वो काफी मुश्किल है। तो उसमें मैं का भाव नहीं रहता, उसमें ये नहीं रहता कि ये चीज है या नहीं है, उसमें ना मैं हूं, मैं खुश हूं, मैं नहीं हूं, ये सब कुछ भी व्याख्या उसमें एक किस्म से घुल मिल जाती है, या सारी ही व्याख्याओं के साथ ये शून्यता की बनावट हुई है।
और हम कैसे इस शून्यता में मतलब इसको प्राप्त कर सकते हैं या समझ सकते हैं या इसमें इसको समझ सकते हैं कि हम किसी पर निर्भर न रहें। जैसे कि अगर मैं कुछ महसूस भी कर रही हूँ तो कोई अपने टच से या अपने किसी आत्मा के लेवल पे या किसी किसी को सोच कर किसी तरह से मैं उसको कर रही हूँ, तो ये जो शून्यता है वो उसका अनुभव कैसा होता है कि जब हम उस चीज से भी परे हो जाते हैं तो तब शून्यता हम महसूस कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बताने के लिए ये भाषा दी जा रही है कि हम इसको भाषा से समझ सकें। कल भी ये बातचीत हुई थी कि भाषा सिर्फ हमारे मनुष्य जो बुद्धि है उसको समझाने के लिए है, वरना इसको जो शून्यता है उसको समझना काफी मुश्किल ही नहीं, मतलब इसको सिर्फ एक किस्म से महसूस किया जा सकता है, इसकी व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि जिन्होंने इसको समझा वो इसको फिर बता नहीं पाते हैं शब्दों। तो कुछ इस तरह से छोटी मोटी तरह से हम समझ सकें उसके लिए ये बताया गया है। अब आनंद कृष्णेश जी फिर आगे लिखते हैं कि ये जो एम्प्टीनेस है ये बहुत ही विस्तृत है, व्यापक है और इनफाइनाइट, यानी कि बिल्कुल अति, मतलब जो हम समझ भी नहीं सकते, जिसका ओर ना छोर, कहीं भी इसका ओर या छोर नहीं है। और ऐसी एम्प्टीनेस या ऐसी शून्यता से ही जो भी ब्रह्मांड है या जो भी हमारी आत्मा है, परमात्मा है या जो भी हम कहते हैं, वो उसके एक वहां से जब वो निकलते हैं वहीं से ब्रह्मांड भी निकलते हैं, और वहीं से जब बहुत ही खुश होने के साथ साथ इस जॉय या खुशी के साथ वहीं से उसी से ब्रह्मांड भी उजागर होते हैं और वहीं से कोई भी आत्मा भी अवतरित होती है। तो ये जो एक किस्म से जो नैसर्गिक जो या बहुत ही मूलभूत जो खुशी है वहीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। तो इस किताब में या इस कम से कम इस चैप्टर में इस अध्याय में यही लिखा गया है कि इस मूलभूत खुशी को हम कैसे महसूस करें, क्योंकि वो एक किस्म से छुपी हुई भी है और सामने भी है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं या उसको छू नहीं पाते हैं या उसको एक्सपीरियंस अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये वाला जो जो अध्याय है वो इनकी जो वार्ता है, वार्तालाप हुई है आनंद करुणेश जी की, वो देवी सरस्वती से भी हुई है। तो अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो पहले अध्याय में भी उन्होंने नमस्ते सरस्वती जी को किया है। तो फिर यही व्याख्या की गई है, फिर से वही व्याख्या करने लगे हैं कि ये कैसे है, समुद्र कैसा है इस खुशी का, बिल्कुल समुद्र की तरह है, इस तरह है कि रंगों में जैसे विभिन्न रंग होते हैं जो ड्राइंग करते हैं तो वो जानते हैं कि कितने प्रकार होते हैं। तो अगर हम रंग कहें तो रंगों में जैसे विभिन्न प्रकार होते हैं, तो वो ये जो एक मूलभूत जो खुशी के जो एक चीज है, जो शून्यता है जो बहुत व्यापक है, वो एक किस्म से वो उसमें फॉर्म भी है, उसमें वो फॉर्म भी है, मतलब वो बनावट भी है और बनावट नहीं भी है। तो उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है या हम उसको हमारी सारी जितनी भी अनुभव हैं या जितनी भी फीलिंग्स हैं उसमें जाके वो समाहित हो जाते हैं या डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हमें समझाने की कोशिश प्रयास किया गया है कि क्या चीज है ये शून्यता। अब वही है कि जो जिस तरह हम समझा रहे थे कि हम इस पूरे एम्प्टीनेस को कैसे समझे, अगर पूरे रंगों को अगर हम बिखेर दें, पूरी लाइट को बिखेर दें, तो किस तरह से होगा, सभी जगह लाइट ही लाइट हो, तो उसी तरह ये शून्यता भी सभी जगह फैली हुई है। मुझे इस तरह से इसको समझ में आया कि जहां पर लाइट नहीं भी है वहां पर भी लाइट है, जहां पर रंग हमें नहीं दिख रहे हैं तो वहां पर भी ये रंग है, और इस तरह हम ये अनंत आत्मा की अनुभूति समझ सकते हैं या सिर्फ इसकी व्याख्या अभी हम समझ रहे हैं। तो जब हम आत्मा और शरीर जो है, आत्मा और शरीर के दायरे में शून्यता को सीमित हिस्सों में सीमित, मतलब जो हम एक मनुष्य की तरह हम अगर हम सीमित तरीके से भी इसको अनुभव करते हैं, लेकिन आत्मा के रूप में अनंत अनंत
भावों का निर्माण होता है। तो ये कहते हैं कि कई सारे जो मतलब भावनाएं हैं उससे ये जो शून्यता है वो निर्मित हुई है, या शून्यता से ये सारी भावनाएं निर्मित हुई हैं। तो मन और शरीर की तो सीमाएं होती हैं, या दायरे होते हैं, ये मैं हूँ, ये वो है, ये मेरी चीज है, इस तरह से। लेकिन जो ये अनंतता है वो उसके कोई सीमा ही नहीं है। और हम इस अनंतता को, या इस जो सीमा रहित एक चीज है जो ये शून्यता है, जहां से सभी कुछ निर्माण हुआ है, उसको हम कैसे मतलब पा सकते हैं, या उसके सामने जा सकते हैं, उसके करीब जा सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं? तो वो ध्यान ही है जो व्यक्ति को मन और शरीर के परे तक पहुंचाता है, और या उसकी अनुमति देता है। तो ध्यान का मतलब, इन्होंने भी जो आनंद जी हैं, आनंद करुणेश जी हैं, उन्होंने भी ध्यान से ही ये किताब का रचना की है। और ये भी कहते हैं कि हम कि हर कोई, चाहे हम में छोटी सी भी अगर हम में ये मतलब क्वालिटी है कि हम ध्यान कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली किसी भी इस शून्यता से, या दैविक कोई भी शक्ति से, या देवी देवताओं से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और इस तरह की किताब लिख सकते हैं। तो ये कोई एक असामान्य बात ही नहीं है, बात है नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोग इसको मतलब इस खुशी को, या इस रंगों को, या असीमित रंगों को पहचान सकते हैं। सभी लोग हम इसमें से इसको पहुंच सकते हैं, तो ध्यान के जरिए। तो ये मतलब ऐसे प्रश्न उत्तर कई मिलेंगे अगर आप किताब पढ़ेंगे। तो ये फिर इनका ये एक प्रश्न है कि आप देवी जी, आप मतलब सरस्वती माँ, आप इस वाले जो ये खुशी है, या जो नैसर्गिक खुशी है, इस पर इतना जोर क्यों दे रही हैं? तो वो फिर कहती हैं कि ये उस खुशी को मैं इतना इसके लिए बता रही हूँ, या उस पर इतना जोर दे के इसलिए बता रही हूँ कि इस खुशी, या जो ये जो अनंतता की खुशी है, वो हमारी जो ऊर्जा का जो ऊर्जा को एक हायर लेवल पे, या उच्च स्तर पे ले जाता है, और वहां से हम कोई भी न केवल विजडम, या न केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, पर अनंत खुशी, या आगे चैप्टर में हम देखेंगे कि कोई भी चीज जो हम पाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या यहाँ पर करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो हमें इजीली मिल जाती है। तो इसलिए भी इस जो अनंत जो जॉय है, उसका भी बड़ा महत्व है। और हम उस ध्यान के द्वारा जब हम उस अनंतता को कम से कम छू भी लेते हैं, या उसके आसपास भी आ जाते हैं, तो वो हमें समझ में आने लगती है। फिर शब्दों का हमें मायने नहीं रखता, जबकि ये सारे शब्दों के जरिए ही हम उसको समझ रहे हैं, कि हमसे बुद्धि लगा के समझ रहे हैं, पर वो अनुभव करने की चीज है। तो हर चीज में आप ये पाएंगे कि ये समझाया भी जा रहा है, और ये कहा भी जा रहा है देवी द्वारा, कि जो मैं समझा रही हूँ वो अनुभव करना, उसका कुछ अलग ही मायने। तो फिर इनका ये फिर अलग से प्रश्न कहते हैं कि भाई, हम तो मनुष्य हैं, और हम जो हमारे आसपास जो भी दोस्त होते हैं, परिवारजन होते हैं, या कुछ भी, उनके दुख में हम दुखी हो जाते हैं उनको देखकर। तो फिर क्या वो जो आप जिस खुशी की बात कर रहे हैं, जो मूलभूत खुशी है, तो वो इस वाली जो हम किसी के साथ दुखी हो जाते हैं, या कोई किसी को देखकर हम रोने लगते हैं, तो वो जो दुख है, वो या जो हम फील कर रहे हैं, वो क्या उस जो अनुभव आप बता रही हैं उसमें कुछ अंतर है क्या? तो वो कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब किसी को देखकर दुख होना, ये कोई मतलब, ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन जो एक ध्यानी है, या जो उस एक जो मूलभूत प्राइमोर्डियल जॉय को, या उसकी अनुभूति ले चुका है, या उस अनंत की अनुभूति ले चुका है, उसे यह लगेगा कि ये भी मनुष्य जो है, ये यहाँ पर जो है, वो अगर वो ज्ञानी है, तो वो ये समझेगा कि जो जो भी ये इसको दुख हो रहा है, वो उसकी दुख में मतलब सिमट नहीं जाएगा, या उसके दुख को इस तरह से नहीं अपना लेगा कि वो खुद उस हम पर मतलब हम उस किसी और के दुख को इस तरह नहीं अपना लेंगे कि हम खुद का अपना आपा खो दें। तो हम ये समझेंगे कि ये पूरी जो अनंतता है उसमें से एक चीज है,
और हम उसके दुख को भी समझ पाएंगे, और ये अनंतता या जो खुशी है, जो प्राइमोर्डियल खुशी जिसकी बात हो रही है, जो शून्यता की बात हो रही है, वो भी समझ पाएंगे। तो मतलब कि हम दुख या सुख किसी का भी इस तरह से नहीं समझ पाएंगे कि उसे दुख हो रहा है तब मैं दुख को महसूस कर रही हूँ, या उसे खुशी हो रही है तब मैं खुशी महसूस कर रही हूँ। तो कोई भी जो अनुभव मतलब मनुष्य रूप में हम करते हैं कि मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश होंगी, तो ये कहने का अर्थ यहाँ पर देवी जो बता रही हैं, या जो मेरी समझ में आया है, जो ये मूलभूत या जो बिल्कुल ही जो सीड है, जो कि जॉय, जहाँ से जो खुशी, जो कि एक बहुत ही जैसे जहाँ से सारा कुछ जिसकी उत्पत्ति हुई है, वो खुशी या उस वो इस तरह की उसमें क्वालिटी है कि वहां पर सभी सभी भावनाओं भी होती हैं, लेकिन भावनाओं में हम बह नहीं जाते, या वो भावनाएं हमें सीमित नहीं करती हैं, या हम उस वो हमें बर्डन नहीं करती हैं, या हमें ऐसा नहीं लगता है कि उसके दुख से मैं दुखी हो गई, या उसके सुख से मैं सुखी हो गई, या मेरे कुछ पाने से मैं सुखी हो गई या हो जाऊंगी। तो हम किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो ये एक और तरीका है उस अनंतता को या उस खुशी को समझने का। तो अब हम चैप्टर टू पे आते हैं कि ये जो फीलिंग है, ये जो हमारी अनुभूति है, वो जो अनंतता की अनुभूति है वो किस तरह की है, उसके क्या गुण हैं, उसके कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे कि हम वो फिर देवी ये कहती हैं कि ये जो हम जो भी महसूस करते हैं, जो अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं, वो हमें या तो पीछे की तरफ जो हमारे भूतकाल में या भविष्यकाल की ओर ले जाता है, या हम उसमें भविष्य में अच्छा होगा ये सोचकर खुश हो रहे होते हैं, या हमारे भूतकाल में कुछ अच्छा हुआ इसको सोच रहे होते हैं। तो ये जो हमारी जो जो जितना जो हम खुशी को देखते हैं या समझते हैं, वो हमारी खुशी जो है वो किसी पर डिपेंड है, को डिपेंड है। तो ये खुशी मानवीय जो खुशी है वो इस तरह की है, और वो जो खुशी जो इसके बारे में जो वो बता रही है, जो 1000 सीड्स ऑफ जॉय जॉय के बारे में वो बता रही है देवी, वो उसमें सारे ही कुछ जो चीजें होती हैं वो एक किस्म से सम्मिलित होती हैं, या ये कहना चाहिए कि हम किसी मतलब उसको जिसने पा लिया वो फिर छोटी ये इस ना भूतकाल में ना भविष्यकाल में ना किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। और इसको अगर हम मानवीय रूप में रहें तो उन्होंने उदाहरण में लिखा है कि अगर हम इस तरह के एक भाव में रहें कि ओ मतलब ग्रैटिट्यूड के भाव में रहें, तो इसमें जो आएगा कि मतलब इसको दूसरी तरह से ये कहा जाए कि हम अगर पास्ट के लिए भी ग्रैटिट्यूड के रहें, या उस दुख के लिए भी या सुख के लिए भी एक ग्रैटिट्यूड का भाव रखें, तो तब भी हम प्रेजेंट में आ जाएंगे। यानी कि हमें इस समय में रहना है, ना कि पीछे आगे किसी अनुभव में रहना है। तो ये वो कुछ हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब हम आ गए हैं कि तीसरे अध्याय में। तो ये कुछ कुछ ही पॉइंट्स मैंने हर चैप्टर के लिए लिए हैं। तो ये क्या है होली ट्रिनिटी, अगर आप करेंगे तो हमें हिंदुइज्म में आ जाता है कि विष्णु मतलब शिव विष्णु महेश, इस तरह से हम तीन त्रिगुण जो बोलते हैं, त्रिगुण आत्मा, या उसमें भी मतलब क्रिश्चियनिटी में भी इसका है कि होली फादर सन, और इस तरह से बातें होती हैं। लेकिन इस वाले चैप्टर में हम समझेंगे कि ये त्रिगुण नेचर क्या है। तो वो ये कहते हैं कि मतलब आनंद करुणेश जी का ये प्रश्न है इस अध्याय में कि हमें ये सब कुछ क्यों समझना है, हमें ये क्यों समझना है कि कहाँ से उत्पत्ति हुई, और वो जॉय क्या था, वो खुशी क्या थी जिसके कारण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। तो वो देवी ये कहती हैं उत्तर देने के लिए कि अगर हम ये जानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, या हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस स्तर या किस किस तरह से हुई है, तो वो हम फिर उसको मतलब उसको सिर्फ ये विजडम से ही हम जो कुछ पाना चाहते हैं वो उसको समझने के लिए, उसको पाने के लिए हम
एक किस्म से तैयार हो जाते हैं। और ये जो हमारी मानवीय रूप की जो भी खुशी है या दुख है, सुख है, वो उस परम जो भी एक उत्पत्ति का एक स्रोत है, उसमें हम मतलब मिल जाते हैं या मिलने की तैयारी करने लगते हैं। तो हमें यह समझना है कि जो वो एक पूरा यूनिवर्स है, या जो पूरा एक ये अनेक, अगर आपने हम अनेकानेक वो सुना हो टैबलेट, तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी ये है कि वो जो अनंत है उसमें से कई सारा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। तो वहीं पर से ये बुद्ध या कई सारे भगवान जो हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो तो अनंत है। और अनंत में अनंत जो अगर जोड़ भी जाता है, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट जोड़ते हैं, तब भी वो इनफाइनाइट ही कहलाता है। तो ये सिर्फ हमें समझाया जा रहा है इसके लिए कि हम कितनी अनंतता से आए हुए हैं। तो हम कोई सीमित चीज नहीं है, या हमारी जो भी छोटी मोटी खुशी है वो भी हमारे लिए काफी अच्छी होती है। और हम इसी के द्वारा अगर हम प्रेजेंट में रहें, तो तब हम सिर्फ ज्ञान ही नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि उस अनंत को भी समझने लगेंगे, उसे अनुभव करने लगेंगे। तो इसी तरह हम मतलब एक किस्म से जादू भी हो सकता है कि हम किस तरह से अगर उस ध्यान के माध्यम से, अनुभूति के माध्यम से, खुशी के माध्यम से, ग्रैटिट्यूड के माध्यम से अगर उस अनुभव करें, तो हम किस तरह से एक हीलर भी बन सकते हैं। और अपने आप को तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हम हमारी जो भी समस्याएं हैं उसका हम निवारण कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं, अगर हम समझ पाए कि हम उस अनंत के एक हिस्सा हैं। तो ये फिर वो बताता है, मतलब देवी बताती हैं कि जब हम जो हमारा शरीर है और हमारी जो अनुभूति है और जो हमारे अनुभव हैं, इन तीनों चीजों को जब हम शून्यता में एक किस्म से जब उसको सम्मिलित कर लेते हैं, उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, ये तीनों ही लेयर, बॉडी सेंसेशन, कभी कभी ध्यान में भी हमने महसूस किया होगा या किसी से हमने सुना है कि जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम एक एक पूरे एक लाइट का गोला बन गए हैं या लाइट की तरह हो गए हैं। तो उस समय शरीर का अनुभव नहीं होता, उसमें कोई अनुभूति नहीं होती, ना खुशी होती है, ना असीमित खुशी होती है, ना कुछ इस तरह से, ना कोई फीलिंग होती है। और हम उसको थोड़ी देर के लिए सही, कुछ ही क्षणों के लिए सही, उस अनंतता को अनुभव करते हैं। तो वो यहाँ पर होली ट्रिनिटी या जो त्रिगुण है, वो ये समझाया जा रहा कि जो उसका रिप्रेजेंटेशन हमारी शरीर में, हमारी फीलिंग्स में, या जो अनुभूति होती है उसमें समझाया जा रहा है। तो हर समय जो है अपने दिमाग में, अगर हम जो ध्यान में कहते हैं ना कि आप मतलब सांस पे रहो, अपने शरीर के मतलब शरीर में रहो, सांस में रहो, तो वो क्या दिखाया जा रहा है कि हम उसी के जरिए उस अनंतता तक पहुंच सकते हैं, या वो सबसे क्विकेस्ट यानी बहुत जल्दी पहुंचने का एक रास्ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये सब सुना, और कल इसी के साथ हम और भी मिलेंगे। और बहुत बहुत थैंक यू। अब हम 2 मिनट का ध्यान कर लेते हैं सभी लोग इस अनंतता को अनुभव करने के लिए। तो चश्मा उतार दें और बस सांस के साथ जो आज हमने कहा है, इस देवी का आह्वान करते हुए इस अनंतता को एक बार महसूस करें सांसों द्वारा। और फिर मिलते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, सुनने के लिए। ये किताब अगर आपको PDF चाहिए तो आप ग्रुप में जुड़िए, ग्रुप में तो ऑलरेडी डाली गई है। किताब अमेज़न पे अवेलेबल है, और गुड रीड्स पे इसका रिव्यू भी लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। और ये जो संक्षेप में मैंने बताया, ये बहुत ही संक्षेप में बताया है, लेकिन इसमें प्रश्न उत्तर की तरह देवी से प्रश्न किया गया है, फिर उसका उत्तर।
और संक्षेप में अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पहला दूसरा और तीसरा अध्याय के बारे में मैं बात करूं तो हमें एक अनंत खुशी अनंतता के बारे में बताया जा रहा है, और वो अनंत हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, और उसी से हम इस अपनी ही खुशियां अपने को भी खुश रख सकते हैं और इस धरती माँ को भी खुशियां दे सकते हैं। धरती माँ को भी हम अनंत खुशियां दे सकते हैं जहाँ पर हम यहाँ पर बैठे हैं। और इसी से हमारा मतलब एक किस्म से आगे वो चैप्टर में लिखते हैं कि ये जो अनंतता को महसूस करना है इसी को कई सारे जो धर्म है उसको कई नाम दिया जाता है, कहीं पर निर्वाण कहा जाता है, कहीं पर जैसे बुद्धिज्म में कुछ और नाम भी हैं, तो इसमें कुछ बुद्धिस्ट टर्म्स के भी नाम के मतलब बताया गया है, कोई टर्म्स बताए गए हैं जो मैंने अभी इस पता यहाँ पर स्लाइड्स में नहीं लिखा है, पर होली ट्रिनिटी के तरह से भी बताया गया है कि होली ट्रिनिटी क्रिश्चियनिटी में होली स्पिरिट गॉड द फादर गॉड द सन इस तरह से होता है, और हिंदुइज्म में भी होता है ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह से समझते हैं। तो हर तरह हर मतलब विचारधारा में तीन भागों के बारे में बताया जाता है, और फिर ये कहाँ से निकले हैं, तीन लेयर्स के बारे में बताया जाता है, तो सतहों के बारे में, और हम इसको कैसे अनुभव करेंगे, जो तरीका है इस शून्यता को अनुभव करने का, या फीलिंग्स रहित या फीलिंग्स जिसमें समाहित हो जाए वो ध्यान। तो इसके साथ मैं अपनी मतलब इस सत्र को विराम दूंगी, कल फिर मिलेंगे इसी खंड में अगले चैप्टर्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, सभी सुखी रहें, सब खुश रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।